नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति ऐसी है जिसे समझना बेहद मुश्किल होता है। कब कौन किसके साथ है, कब कौन पाला बदल ले और कब किसके दिल में किसके लिए सहानुभूति उभर पड़े, यह भी कहना मुश्किल होता है। अब सीधे चलते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि आरजेडी के जो कदावर नेता हैं, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष, लगातार नीतीश कुमार को शराबबंदी के मसले पर घेर रहे हैं। आपको बता दें कि 16 तारीख को ही शराबबंदी के मसले पर एक बड़ा समीक्षा बैठक बिहार सरकार के द्वारा बुलाया गया था। इसके बाद भी हमने देखा कि किस प्रकार से जो रिजल्ट आते हैं, फैसले आते हैं समीक्षा बैठक के बाद, उपरांत उस पर भी आरजेडी के लोग जो है सवाल खड़े कर देते हैं। सवाल खड़ा करना ही जो है, आपको बता दें कि सवाल खड़ा करने के बाद सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो जाती है और इसके बाद राजद के जो ओर से जो राज्यसभा सांसद हैं, बात कर रहे मनोज झा, वो ये भी कह देते हैं कि सरकार बस छोटी मछलियों को पकड़ रही है, सार्क को पकड़ने में नीतीश सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, नीतीश सरकार ही शार्क को बचा रही है। इसके बाद अब आपको बता दें कि जदयू की ओर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने तमाम चीजों का पदभार संभाला है और उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उनको मालूम है कि क्या कौन सार्क है और कौन पुठिया मछली। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो अभी जिन मुद्दों को लेकर के हल्ला कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, अगर चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते इन्हीं शराबबंदी वाली बात को, तो फिर जो है कुछ फायदा उन्हें हो सकता था। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि शराबबंदी खत्म करने की बात उन्हें अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए था और शामिल करके ही चुनाव लड़ना चाहिए था। इसके साथ ही आपको उन्होंने कहा है कि शराबबंदी किसी भी कीमत में बिहार में जारी रहेगी। इसके साथ ही तमाम तरह के शराबबंदी को और मजबूत करने के लिए, इसके कानून को और मजबूत करने के लिए, विधि व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए, आपको बता दें कि लगातार जो है सरकार काम कर रही है। इसी के तहत जो है के के पाठक को जो है मुख्य अपर मुख्य सचिव बना करके जो है, आपको बता दें, मद निषेध विभाग का लाया गया है। इसके बाद राजद ने इस पर सवाल किया है तो इसका जवाब देते हुए ललन सिंह ने सीधे तौर पे कहा कि सरकार विपक्ष से पूछ करके या फिर राजद से पूछ करके किसी का भी तबादला या पोस्टिंग नहीं करेगी, यानी कि इस जो सरकार का जो काम है, सरकार अपने अनुसार उस काम को कर रही है। और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए था तो उन्हें जो है अपने मैनिफेस्टो में इसी बात को शामिल करके चुनाव लड़ना चाहिए था। जरा भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।